हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल टुडे विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अच्छा हमने पाँच हेड्स ऑफ इनकम देखे थे जिसमें फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हेड ऑफ़ इनकम दैट वाज इनकम फ्रॉम सैलरी वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन फोर पार्ट्स ठीक है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप पहले वो देख लेना ठीक है टुडे विल बी स्टार्टिंग विद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अच्छा हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम या किसी भी घर से कोई इनकम कब मानी जाती है जब आप वो घर रेंट पे दे देते हैं वहाँ से कोई किराया आ रहा है ठीक है तो पहला पॉइंट क्या है रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मतलब कि किसी भी घर से अगर कोई रेंट आ रहा है किराया आ रहा है तो वो जो इनकम है वो उसको क्या बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेकेंड पॉइंट दैट वी नीड टू नो इज़ वेकेंट लैंड रेंटल नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड मतलब कि क्या अगर कोई खाली ज़मीन है और आपने वो किराए पे दे दी है वहाँ से भी इनकम तो हो रही है ना किराया आ रहा है तो इनकम तो हो रही है टैक्स भी लगेगा उस पर बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में नहीं लगेगा किसी दूसरे हेड में लगेगा ठीक है तो खाली ज़मीन से रेंट आ रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है ना तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे वो कहाँ चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पे सिर्फ रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आएगी घर से किराया आ रहा है तभी कंसिडर करेंगे एंड द लास्ट पॉइंट दैट वी नीड टू नो इज़ रजिस्ट्रेशन डीड इज नॉट नेसेसरी मतलब कि टेनेंट और लैंड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन डीड है तब भी ठीक है नहीं है तब भी ठीक है अगर नहीं भी है ना तो भी आपकी इनकम मानी जाएगी हाउस प्रॉपर्टी से hmm. तो रजिस्ट्रेशन डीड मैंडेटरी नहीं होती है अब हम देखते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट कैसे की जाती है ओके तो उसका एक फॉर्मेट होता है आप वो फॉर्मेट देख लीजिए और उसके बाद फॉर्मेट की एक चीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताते हैं ओके तो आपके फॉर्मेट की स्टार्टिंग होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब घर का एनुअल रेंट कह सकते हो आप कि घर का एनुअल रेंट या एनुअल वैल्यू कितनी है तो पहले वो लेते हैं ठीक है उसमें से हम डिडक्ट क्या करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस म्यूनिसपल टैक्स क्या होता है जो म्यूनिसपल कॉरपोरेशन को टैक्स पे किया जाता है हुँ? इसको आप माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इसके बाद आपको एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन दैट इज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अगर आपको अंडर सेक्शन ट्वेंटी फ़ोर अच्छा ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने मैंशन किया है ठीक है तो ये याद रखना है दो डिडक्शन्स मिलते हैं आपको पहला डिडक्शन मिलता है थर्टी परसेंट ऑफ एनुअल वैल्यू एनुअल वैल्यू ऊपर निकाली थी ना बस उसका थर्टी परसेंट निकाल दीजिए सीधे सीधे उतना डिडक्शन मिल जा रहा है आपको और दूसरा डिडक्शन मिलता है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पर मतलब जिस हाउस प्रॉपर्टी की जिस घर की बात हो रही है ना उस घर को ख़रीदने के लिए या उस घर को बनवाने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया था और उस लोन पे आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है ना वो आपको एज आ डिडक्शन मिल जाता है और ये दोनों डिडक्शंस माइनस करने के बाद फाइनली हमें क्या मिल जाता है आर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बस एकदम ईजी सा चैप्टर है फिर से देख लेते हैं एक बार सबसे पहले क्या निकालना है हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू जिसको क्या बोलते हैं जी बोल देते हैं इसके बाद इसमें से माइनस करना है म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा एनुअल वैल्यू इसमें से हमें दो डिडक्शंस मिलते हैं अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर पहला डिडक्शन क्या है थर्टी परसेंट ऑफ एनुअल वैल्यू कोई कैलकुलेशन नहीं है सीधे सीधे एनुअल वैल्यू का थर्टी परसेंट निकाल देंगे और दूसरी डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन अगर घर के रिस्पेक्ट में आपने कोई लोन लिया है उस लोन पे जितना भी इंटरेस्ट पे किया है ना उतना डिडक्शन मिल जाता है हु? इन दोनों डिडक्शन को माइनस करके विल गेट आर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अब स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि जी कैसे कैलकुलेट की जाती है ठीक है जी कैसे कैलकुलेट की जाती है तो अब जी कैलकुलेट करने के लिए वी शुड नो अबाउट द टाइप ऑफ रेंट तो हमारे पास चार टाइप के रेंट हैं पहला है हमारे पास म्यूनसिपल रेंट म्यूनसिपल रेंट क्या होता है वो रेंट जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने डिसाइड किया है ठीक है किसी भी एरिया के जितने भी घर हैं उस घर के साइज़ के अकॉर्डिंग एरिया के अकॉर्डिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो भी रेंट डिसाइड किया है ना उसको बोलते हैं म्यूनसिपल रेंट द सेकेंड रेंट दैट वी हैव इज़ फेयर रेंट नेम इंडिकेट्स फेयर रेंट कौन सा रेंट होता है जितना रेंट जेनविन होना चाहिए उस पर्टिकुलर जगह का ठीक है उस जगह का उस लोकेशन के हिसाब से उसके घर के साइज़ के हिसाब से जितना जेनविन रेंट होना चाहिए उसको बोलते हैं क्या फेयर रेंट तीसरा रेंट जो हमारे पास है वो क्या है स्टैंडर्ड रेंट स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है या तो रेंट कंट्रोल एक्ट ने यह रेंट डिसाइड किया होता है और या तो मुंसिपल कॉरपोरेशन को छोड़ के किसी और लोकल अथॉरिटी ने ये रेंट डिसाइड किया होता है एंड द लास्ट दैट वी हैव इज एक्चुअल रेंट एक्चुअल रेंट मतलब एक्चुअल अमाउंट एक्चुअल किराया जो आप अपने टेनेंट से अपने किराएदार से ले रहे हो ठीक है मुंसिपल रेंट विच इज डिसाइडेड बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फेयर रेंट जो कि जेन्यन रेंट उस जगह का होना चाहिए स्टैंडर्ड रेंट विच इज डिसाइडेड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट एंड एक्चुअल रेंट जो कि एक्चुअली में आप अपने टेनेंट से रिसीव कर रहे हो ये चार रेंट के बेसिस पे हम अपनी क्रॉस एनुअल वैल्यू या फिर जी वी डिसाइड करते हैं ठीक अब तो चारों रेंट तो हो नहीं सकते कोई एक ही रेंट होगा तो अब देखो ये निकालते कैसे हैं सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं म्यूनसिपल रेंट और फेयर रेंट को तो मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेती हूँ कि मेरा म्यूनसिपल रेंट है ट्वेल्व और मेरा फेयर रेंट है टेन थाउजेंड ठीक है इन दोनों में से हम दोनों को कंपेयर करेंगे एंड विच एवर इज़ हायर विल सेलेक्ट दैट ठीक है विच एवर इज़ हायर जो ज़्यादा होगा दोनों में से अब दोनों में से ज़्यादा कौन सा है ट्वेल्व थाउजेंड तो विल we'll सेलेक्ट ट्वेल्व थाउजेंड ओके जिसको सिलेक्ट किया है ना उसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से मान लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट भी था टेन थाउजेंड ठीक अब और एक्चुअल रेंट भी ले लेते हैं ट्वेल्व थाउजेंड अब देखो फिर से देखो म्यूनसिपल रेंट और फेयर रेंट को मैंने कंपेयर किया मतलब ट्वेल्व थाउजेंड और टेन थाउजेंड में विच एवर इज हायर तो ट्वेल्व और टेन में ज़्यादा कौन सा था ट्वेल्व थाउजेंड आई सेलेक्टेड दिस अब मैं इसको कंपेयर करूंगी किससे स्टैंडर्ड रेंट से एंड आई सेलेक्ट द लोअर वन जो कि कम है तो बारह हजार और दस हज़ार में कम कौन सा है दस हज़ार तो अब मैंने किसको सिलेक्ट कर लिया दस हज़ार को अब जिसको सिलेक्ट किया ना इसको कंपेयर करेंगे किससे एक्चुअल रेंट से एंड अगेन मैं किसको सेलेक्ट करूँगी जो कि ज़्यादा होगा तो टेन और ट्वेल्व में फिर से ज़्यादा कौन सा है ट्वेल्व थाउजेंड और यही होगी मेरी फाइनल जी ए वी डैट इज़ माई ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई होप ये बात क्लियर होगी बट मैं एक बार ये फिर से समझा देती हूँ एग्जाम्पल से ठीक है फिर से देखिए मान लीजिए कि आपका ट्वेल्व थाउजेंड है फेयर रेंट आपका टेन थाउजेंड है स्टैंडर्ड रेंट एट थाउजेंट है और एक्चुअल रेंट टेन थाउजेंड है ठीक है सबसे पहले हमें कंपेयर करना है म्यूनिसिपल रेंट और फेयर रेंट को किसको सिलेक्ट करना है जो ज़्यादा होगा मतलब कि बारह हज़ार अब इसको और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करना है और किसको सिलेक्ट करना है दोनों में से जो कम होगा बारह और आठ में से कौन सा कम है आठ हजार तो विल सिलेक्ट आठ हज़ार अच्छा इन दोनों में से जिसको सिलेक्ट करते हैं ना जिसको भी सिलेक्ट करें इसको या इसको उस पर्टिकुलर रेंट को बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट तो अगर क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेंट दिया है ना तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है उसको फिर सीधे सीधे एक्चुअल रेंट से कंपेयर कर देना हुँ? अब हमने आठ हज़ार सेलेक्ट किया था अब आठ हज़ार को कंपेयर करेंगे किससे एक्चुअल रेंट से और फिर किसको सेलेक्ट कर लेंगे जो भी ज़्यादा है जो बड़ा है मतलब एट और टेन में से कौन सा ज़्यादा है टेन थाउजेंड तो टेन थाउजेंड क्या हो गया मेरा फाइनल जी मतलब कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज दैट क्लियर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना देख लिया हमने अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम माइनस क्या करते थे म्यूनसिपल टैक्सेस तो म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करने का क्या सीन है पहले म्यूनसिपल टैक्सेस के बारे में कुछ चीज़ें देख लीजिए इट इज़ डिडक्टेबल ओनली इफ डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेसिक्स वाले चैप्टर में बताया था अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है ना तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप पहले वो देख लेना तो अगर आपने म्यूनसिपल टैक्स पिछले साल दिया है प्रीवियस ईयर दिया है ओनली इन दैट केस इट इज़ डिडक्टेबल अदरवाइज इट वोंट बी अलाउड एज अ डिडक्शन ओके एंड द नेक्स्ट पार्ट दैट वी नीड टू नो इज़ द रिफंड ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स इज नॉट टैक्सेबल एनी जो भी आपने म्यूनसिपल टैक्स पे किया है ना अगर आपको उसका रिफंड मिल गया है इन दैट केस इट वोंट बी टैक्सेबल एनी वेयर ठीक है अब वापस आते हैं हम अपने फॉर्मेट पे अब देखो फॉर्मेट में क्या था ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये निकालना हमें आ गया इसमें से माइनस क्या करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स अच्छा आपका क्वेश्चन में गिवन होता है ठीक है आपके क्वेश्चन में गिवन होगा म्यूनसिपल टैक्स की फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड वट एवर और अच्छा एक चीज और इसमें पता होनी चाहिए मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका म्यूनिसिपल टैक्स है टेन परसेंट ठीक है आपका म्यूनसिपल टैक्स है टेन परसेंट तो आप टेन परसेंट जी का नहीं निकालेंगे किसका निकालेंगे म्यूनसिपल रेंट का ठीक है म्यूनसिपल रेंट का बच्चे क्या गलती करते हैं ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू जितनी दी होती है मान लो आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू बारह हज़ार निकाली है लिखी है और टेन परसेंट म्यूनसिपल टैक्स है तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं बारह हज़ार का टेन परसेंट निकाल देते हैं बट ये गलती नहीं करनी है म्यूनसिपल टैक्स निकालना है हमें म्यूनसिपल रेंट का हुँ? और सिर्फ तभी डिडक्ट करना है अगर इट इज़ पेड इन द प्रीवियस ईयर इफ़ इट इज़ नॉट पेड इन द प्रीवियस ईयर तो फिर इसको माइनस नहीं करेंगे यहाँ पे जीरो माइनस होगा ठीक तो इसको माइनस करके हमें क्या मिल गया एनुअल वैल्यू एनुअल वैल्यू में से हमें दो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने थे कौन कौन से पहला है मेरा थर्टी परसेंट ऑफ एनुअल वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू आई है ना सीधा सीधा उसका तीस परसेंट निकाल के यहाँ पे डिडक्ट कर दो माइनस कर दो एंड द लास्ट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमें थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना है दो तरह के इंटरेस्ट ऑन लोन होते हैं आई hmm? होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अभी ये दो टाइप के होते हैं और हम एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे कि आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग हो सके ठीक है इतने पर्टिकुलर पार्ट part में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव माय वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू